ये शायद पहली बार ऐसे मीटिंग हुआ है स्टेट लेवल में और सक्सेसफुली ये मीटिंग को कल कंडक्ट किया गया है। इस मीटिंग में मेन मुद्दा था आर्टिस्ट का वेलफेयर, आर्टिस्ट का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, आर्टिस्ट का लाइफ में क्या ज़रूरत है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग वहाँ मीटिंग रखा। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे ऐसा रहा कि एनुअली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अवार्ड दिया जाता है, आर्टिस्ट को दिया जाता है, तो इस अवार्ड देने में भी कुछ हम लोग कमियां महसूस किया है, सभी ने इसको एक्सप्रेस किया है, क्योंकि जो डिज़र्व नहीं करता है ऐसे लोगों को भी अवार्ड दिया गया है, जो डिज़र्व करता है सालों 30-35 साल आर्टिस्ट काम किया है, सोसाइटी के लिए काम किया है, ऐसे लोगों को भी अवार्ड से डिप्राइव किया गया है, ऐसे केसेस भी देखा है। इसीलिए एक रेजोल्यूशन पास किया है कि स्टेट अवार्ड देने का एक बोर्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड गठन करता है किसको देना है किसको नहीं देना है, उस बोर्ड में अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम का चेयरमैन या सेक्रेटरी या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम का एक मेंबर को उसी बोर्ड में शामिल करें ताकि सही आदमी को, सही आर्टिस्ट को अवार्ड मिले जो सही में काम किया है सोसाइटी के लिए, आर्टिस्ट का वेलफेयर के लिए काम किया है, अपना लाइफ को डेडिकेट किया है आर्ट फील्ड में, कल्चर फील्ड में जो डेडिकेट किया है, उनको सही पर्सन को, सही आदमी को अवार्ड मिले, इसीलिए ये रेजोल्यूशन पास किया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन, कई सारे 10 रेजोल्यूशंस मेन रेजोल्यूशंस पास किए थे और उसमें और एक रेजोल्यूशन था कि एनुअल आर्टिस्ट अवार्ड फंक्शन को अभी से अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम चाहता है कि स्टेट लेवल में एक आर्टिस्ट का अवार्ड फंक्शन हो और वो अवार्ड फंक्शन को स्टेट गवर्नमेंट एक कैलेंडर इवेंट घोषित करे, क्योंकि इस अवार्ड के जरिए हम आर्टिस्ट को हम सम्मान दे सकते हैं, उनका काम जो किया है, कंट्रीब्यूशन जो दिया है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसीलिए आर्टिस्ट एनुअल आर्टिस्ट अवार्ड फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दूसरा वाला रेजोल्यूशन था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन था वेटरन आर्टिस्ट को, वेटरन आर्टिस्ट जो 30-35 साल से 50 साल से ये फील्ड में काम कर रहा है और कई लोगों का, वेटरन आर्टिस्ट लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है और सोसाइटी में इतना वेल प्लेस्ड नहीं है, ऐसे लोगों को क्यों ना हम कुछ ऑनरेरियम दें वेटरन आर्टिस्ट को, ये भी एक रेजोल्यूशन था ताकि वो एक मंथली एक सपोर्ट ऑनरेरियम के हिसाब से मंथली कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ताकि अपना गुजारा कम से कम कर सके, अपना परिवार को चला सके, रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। और उसका साथ साथ हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा नेचुरल टैलेंट है, सिंगिंग में सिर्फ नहीं है, डांसिंग में सिर्फ नहीं, बहुत सारा कला में बहुत नेचुरल टैलेंट भरपूर है हमारा यहाँ, इसलिए जो सिंगिंग में टैलेंटेड है, बहुत अच्छा से अच्छा गाते हैं और डांस अच्छा करते हैं और दूसरा कुछ कला में, पेंटिंग में भी हो सकता है, म्यूजिकल अलग फील्ड में भी हो सकता है, तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों को अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम रेकमेंड करेंगे, ये इसको माने आगे और पढ़ा सकता है, इसको आगे ट्रेन दे सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, ऐसे यंग आर्टिस्ट को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिले, इसको भी एक रेजोल्यूशन हम लोग पास किया है, ये भी मदद गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए बोल के। और दूसरा इम्पोर्टेंट
जो रेजोल्यूशन था, मैं इसको जिक्र करना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत सारा टैलेंट शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंगिंग टैलेंट शोज स्पेशली। हमारे यहाँ का बच्चा गाना गाते हैं, टैलेंट शो जीत जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। किस लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं? उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, म्यूजिक का नॉलेज बहुत कम है, ट्रेंड नहीं है। इसलिए जाके इंडियन आइडल लेवल में भी जाके जस्ट ऑडिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और आगे नहीं जा पाता है। हमारा यहाँ स्टेट से एक बच्चा जेली काई बोल के बहुत टैलेंटेड सिंगर है, कुछ हद तक वो आगे जा पाया, लेकिन सब नहीं जा पाते हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग का यहाँ ट्रेनिंग लैकिंग है। इसीलिए गवर्नमेंट का तरफ से ये मदद हमको चाहिए, या कोई ऐसे इंडिविजुअल से चाहिए, ऐसे एनजीओ से चाहिए कि एक अच्छा म्यूजिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ यहाँ अरुणाचल में खोला जाए, और साथ साथ में इवन एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उसका भी एक ब्रांच यहाँ खोला जाए, ताकि जो एक्टिंग में इंटरेस्ट है, फिल्म तो अरुणाचल में अभी कई सारे बन रहा है, तो उनका भी अच्छा यहाँ ग्रूमिंग हो, ट्रेनिंग हो, एनएसडी का भी एक सेंटर यहाँ खोला जाए। ये सब हमको इस फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग विथ सीनियर आर्टिस्ट जो 13 अक्टूबर को जो दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में जो मीटिंग हुआ था, ये सब कुछ मुद्दे जो उठाया हमको बहुत मैंने लगा कि ये बहुत अहम मुद्दा है, उसको हमारा गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसको गौर करना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है मेरा तरफ से, क्योंकि ये अभी ये सब इश्यूज हम लोग आर्टिस्ट लोग क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट लोग, आप लोग सब जानते हैं कि आर्टिस्ट लोग लोगों को एंटरटेन करते हैं। जहाँ भी जाओ, इलेक्शन विक्ट्री सेरेमनी में भी आर्टिस्ट लोग को बुलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, किसी का शादी में बुलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, किसी का बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कोई VVIP बाहर से आया उसको एंटरटेन करने के लिए आर्टिस्ट लोग को बुलाते हैं, बुला के बस खाना खिलाते, ताली बजाते हैं, शाबाश बोलते हैं और चले जाते हैं। उसका बाद कौन आर्टिस्ट गाया, क्या गया गाया है और कौन सा बैकग्राउंड से है, क्या तकलीफ़ है, क्या मुसीबत में है वो आर्टिस्ट, कितना अपना लाइफ को डेडिकेट किया उसी फील्ड में, सिंगिंग में या डांसिंग में, उसको कोई खबर नहीं है। दूसरा स्टेट में हम लोग देखता है एनुअल अवार्ड होता है, कैश इंसेंटिव देता है आर्टिस्ट लोगों को, प्रमोट करता है, लेकिन ये चीज़ हमारा स्टेट में अभी भी लैकिंग है। इसीलिए एनुअली उन लोग को रिकॉग्नाइज करना है, उनका काम को रिकॉग्नाइज करना है और कैश इंसेंटिव भी देना है, चाहे तो गवर्नमेंट में भी कुछ जॉब रिजर्वेशन देना है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आवाज़ नहीं उठाएगा तो शायद हम लोग के लिए, जैसे हमारा पीढ़ी, हम तो अभी 30-35 साल से गए ये फिल्म में हैं, हम तो कुछ नहीं मिला अभी तक, हमको स्टेट गवर्नमेंट में कुछ नहीं दिया है अभी तक, सब्सटेंशली कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए हम ये मुद्दा जो है बहुत रेलेवेंट है, हम सोचता है अभी उठाना चाहिए।